राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने गोरखपुर में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज तोड़ने वाले संवादों को सामाजिक समरसता से ही दूर किया जा सकता है। स्वयंसेवक ही समाज से भेदभाव को दूर कर सकते हैं। 4 दिवसीय 19 से 22 मार्च दौरे पर गोरखपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख ने सोमवार को गोरक्ष प्रांत के अलग अलग जिलों से आए 54 प्रचारकों को समाज को एक सूत्र में पिरोने का मंत्र दिया। क्षेत्रीय कार्यालय माधव धाम में सुबह और देर शाम तक चले अलग अलग सत्रों में संवाद के दौरान आरएसएस प्रमुख ने कहा कि समाज को सभी विकारों से मुक्त करके समरसता भाव वाले सामाजिक परिवेश को तैयार करना है। कुछ विकृतियों के कारण समाज का ताना बाना टूटा है। स्वयंसेवकों को ऐसा काम करना चाहिए कि समाज का मन बदल जाए, सामाजिक अहंकार और हीन भाव दोनों समाप्त हो जाए। आरएसएस प्रमुख ने कार्य विस्तार, कार्यकर्ता विकास और सामाजिक सद्भाव पर भी बात रखी। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि स्वयंसेवक संगठन व जागरण श्रेणी में काम करते हैं। संगठन का सब कुछ तय रहता है, पहले से कार्यक्रम की तिथियां तय की जाती हैं, शाखा विस्तार का काम चलता रहता है। अब बारी जागरण श्रेणी की आती है, इसमें विस्तार की बहुत गुंजाइश है। प्रचार प्रसार की कोई सीमा नहीं है, इसके जरिए हर व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। आरएसएस प्रमुख ने पर्यावरण विषय पर चर्चा की और पर्यावरण के असंतुलित और दुष्प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को संतुलित बनाना मौलिक दायित्व है। प्रशिक्षण से जागरूकता फैलाकर पर्यावरण को संतुलित बनाने का प्रयास करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मंगलवार की देर रात वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। वह 23 से 27 मार्च तक वाराणसी में रहेंगे। काशी प्रांत से जुड़े पदाधिकारियों की अलग अलग बैठक भी करेंगे। इस मौके पर क्षेत्र प्रचारक अनिल, क्षेत्र कार्यवाहक वीरेंद्र जायसवाल और प्रांत प्रचारक सुभाष मौजूद रहे। Thank you.